as we are doing the series on the book of ecclesiastes <laughs> how appropriate it is that solomon the wisest man had many things to talk about friendship and so today we're going to continue our series on the book of ecclesiastes and chapter 4 and we're going to look at what does it mean to celebrate friendship

कि सुलेमान कैसे बार बार बताता है कि हम जीवन में तरक्की कैसे पा सकते हैं खुशी कैसे पा सकते अपार्ट फ्रॉम अ रिलेशनशिप विद गॉड सोलोमन कम टू टू द द रियलाइजेशन दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वर्ल्ड एंड व्हाटएवर हैज ऑफर इज वैनिटी और वो ये बताना चाहता है सुलेमान कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जो है उसके अलावा सब कुछ व्यर्थ ही है सो इन 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 हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ रीचिंग द टॉप ऑफ whether it is being wealthy और उसका जो प्रयास है यह देखने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति धनी है और इन

but did you know that at the top of every area of life whether you might be the richest businessman whether you might be the number one bollywood actor or actress whether you might be the india's president or prime minister whether in politics it doesn't matter what field you are at the helm of every position what is the biggest problem facing them is the issue of loneliness चाहे मनुष्य किसी भी उच्च क्षेत्र में कार्य करने वाला हो चाहे वो एक अभिनेता हो अभिनेत्री हो चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो चाहे वो किसी भी उस क्षेत्र में हो लेकिन वो व्यक्ति अकेलेपन से होके गुजरता है मोर लोनली जितना आप ऊंचा अपनी सफलताओं में होते हैं उतना ही वो व्यक्ति अकेलेपन में बढ़ता है स्पेशली इफ यू आर इन लीडरशिप आई डिस्कवर्ड

वो हर एक व्यक्ति जो है अकेलेपन से होके गुजरता है When we talk about loneliness, what do we mean? जब हम अकेलेपन इस बात से बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है इट हैज टू डू विद एन इमोशनल फीलिंग दैट वी एक्सपीरियंस ये एक ऐसी भावनात्मक एक महसूस करने का चीज है जो व्यक्ति होकर गुजरता है और इट इज द परसेप्शन ऑफ योर माइंड और या एक व्यक्ति के एक सोचने का एक दृष्टिकोण है It is a, a once on, an individual concern of a person. Without connection to individuals in our society, whether it is through our family, through our church, through our workplace, school, college, wherever we are, without that interconnectedness, we all are vulnerable. To the attack of loneliness. और अगर हम समाज में या हम जिन जगहों में कार्य करते हैं जब हम लोगों से जुड़े नहीं होते हैं तब हम उस, उस समय में अकेलापन आ जाता है tell you, at some time in our life.

बड़ा एक आनंद का समय है। हम कुछ समय पहले हमको ऐसा अवसर मिला कि हम मालदीव जा सके टू बी देयर और बड़ा अच्छा समय था वहाँ पर बट व्हाट आई फाउंड आफ्टर 2 और फीलिंग ऑफ सफेद दो और तीन दिन के बाद मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मुझे घुटन हो रही है आई wait वेट कम आउट Of the, this island and come into the mainland. Because after being in that island for a few days, you have seen it all, you have seen all the people that you can see, whatever is there is very limited, and we want to enjoy the freedom of seeing and being with the real world. वो चीज देखने को नहीं मिलता जो वास्तविक में एक दूसरी जगह में होता है। बट द मेनी ऑफ अस इज दट वीन टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस आईलैंड ऑफ लॉन्ड लेकिन लेकिन में से कई लोगों के साथ समस्या ये है कि हम लोग कई बार ऐसी जगह में जाकर अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं जहां पर अकेलापन अकेला पन मिले मेबी नाउ लिविंग योर लाइफ इन द आयलैंड ऑफ लोनलीनेस शायद आप में से कई लोग अपने जीवन के उस अकेलेपन के टापू में हैं। राइट सो इफ यू आर अ पर्सन हु इज आस्किंग दिस लिविंग फॉर टू लॉन्ग इन द आईलैंड ऑफ लॉन्ड लिनेस अगर ये प्रश्न आप अपने आप से खुद से पूछे तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने लंबे समय से उस अकेलेपन के टापू में हैं। नंबर वन क्वेश्चन

उसकी जिम्मेदारी हम किसी और के ऊपर डाल देते हैं। लोनलीनेस बाय ब्लेमिंग अदर पीपल आर इन आवर लाइफ और हम अपने जीवन के अकेलेपन को दूसरों के ऊपर दोष डालकर जो हमारे जीवन से जुड़े हैं उनके ऊपर डाल देते so हैं। इज ब्लेमिंग अदर्स For your present condition, your state of your mind, your life in this island of loneliness, and you're blaming others, you are living in this island for too long. There is a second question that such people ask. If only other people realize.

ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें हम लोगों से ध्यान या केंद्र पाना चाहते हैं। कई बार हम लोगों को अपनी परेशानियां इतनी ज्यादा बताना चाहते हैं बिना उनसे उसका समाधान पाने के लिए अबाउट आवर so ourselves। तो इसलिए हम अपने स्वयं के लिए बहुत ही ज्यादा

पति को इसके लिए दोष देते हैं कि बाल हमने खो दिए हैं एंड आई लॉस माय हेयर मैंने भी अपने बाल खो दिए We can go on talking about self, taking self pity on ourselves for the, our condition. कई बार हम अपनी परिस्थितियों के लिए अपने ऊपर स्वयं के ऊपर दया दिखा सकते हैं. Without ever seeing if there is a solution for me in my life that I need to take responsibility for myself. बिना ये जाने कि हम खुद समाधान पाने की कोशिश करें अपने अकेलेपन के लिए. The third questions that such people ask. These are जो ऐसे लोग पूछते हैं खुद से. They say nobody cares. I am all alone in this. ऐसे लोग बोलते हैं मेरी तो कोई चिंता ही नहीं करता मैं तो इस चीज में पूरी रीति से अकेला ही हूँ. Now obviously this is not a question. आ, सच में बोला जाए तो ये कोई प्रश्न नहीं है स्टेटमेंट ये एक कथन है बट इट इज अ टाइप ऑफ प्राइड दैट अश्यूम्स वन ओन प्रॉब्लम्स आर ग्रेटर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी एल्स ये ये बताना चाहता है एक व्यक्ति के अंदर एक थोड़ा सा घमंड है जिसमें वो ये बताना चाहता है कि उसकी परेशानी दूसरे की परेशानी से ज्यादा बड़ी है ओ नो इन दिस वर्ल्ड सफर्स लाइक आई डू अरे कोई भी इस दुनिया में मुझसे ज्यादा नहीं गुजरता जितना मैं होता आई डोंड इन दर्ल्ड गो थ्रू वाय गो थ्रू मैं मेरा मैं पति होकर जिस

कि जैसे कोई नहीं गुजरता वैसे मैं गुजरता हूं एंड वी डेवलप अ कॉम्प्लेक्स लाइक अ ए हु हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ अदर पीपल्स बैड लाइफ और फिर हम ऐसे जीवन जीते हैं जैसे हम दूसरों के जीवन के कारण हम पीड़ित हैं बट माय डियर फ्रेंड्स लेकिन मेरे प्रिय मित्रों यू कैनोट लिव इन द दईलैंड ऑफ लोनलीनेस फॉर टू लॉन्ग एंड सरवाइव आप बहुत लंबे समय के लिए उस अकेलेपन के टापू में रहकर अपना जीवन नहीं बिता सकते यू विल स्लोली स्विच एंड ड्रिफ्ट इन टू डिप्रेशन आप धीरे से निराशा की ओर बढ़ने लगेंगे and you will go into और आप एकदम से पीड़ित सा महसूस करेंगे. एंड यू इवन एस अ चाइल्ड ऑफ गॉड कैन बिकम ऑफरेस्ट एंड बींग teased by the devil by by like a like the like we play with this uh, uh, snakes that is made of leaves or aap aise ek vishwasi bhi ho sakte hain jahan pe shaitan aapko chugli marega ya aapko uksayega ki aapko bura mehsoos by blaming others we cannot get out of our loneliness hum dusron ke upar dosh lagakar apne by sitting under a palm tree we cannot feel sorry and feel Sad for ourselves. उस पेड़ के नीचे बैठकर हम अकेलेपन में उदास होकर नहीं बैठ सकते हैं of loneliness। अपने आप को अकेले में रखकर हम अपने अकेले पन की समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। How can we get out of this island? मैं इस टापू से कैसे बाहर निकलूं? Imagine you are stuck in an island all by yourself। आप जस्ट ऐसा अपने दिमाग में ऐसा सोचें कि आप अपने आप से उस टापू में फंस चुके हैं हाउ केन यू गेर आउट ऑफ दिस आयलैंड आप उस

लोग देखेंगे कि वहां पर कोई है सो यू नीड टू लाइफ आपको किसी को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ हूं मैं अकेला हूं मुझको मदद की जरूरत है सीक्रेट द फैक्ट यू आर फीलिंग लोनली यू आर ड्रिफ्टिंग इन टू डीप डिप्रेशन अगर आप उस रहस्य को अपने तक ही रखना चाहते हैं कि आप अकेले हैं तो आप अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं वॉटर्स कैन यू अलावा आप क्या कर सकते हैं? बोटल एंड थ्रो इट इन द water इन फ्रॉम द island. आप एक चिट्ठी लिखकर एक बोतल में डालकर उसको डक्कन को आप सील करो उसके बाद क्या करना है पानी में फेंक देना ताकि क्या करें कोई शिप आएगा देखेगा कुछ फ्लोटिंग कर रहे इसके अंदर क्या है उसको ले लेंगे और देखेंगे इसके अंदर कुछ लिखा है किसी को क्या चाहिए किसी को मदद चाहिए किसी को मदद है शो थर्ड थिंग यू कैन यू यू कैन डू टू गेट आउट ऑफ दिस आइलैंड तीसरा तरीका जो है इस टापू से बाहर निकलने का पैडल आउट और फाइंड अ वे टू कट अ ट्री और समथिंग दैट विल फ्लोट मे बी कट थ्री और फोर Banana trees and plants, and join them together and create some kind of a raft and start paddling to the nest island. Maybe in that island there is some people over there. Maybe you have been in a place or in an environment that you need to get out and find a place where you can find those people who will help you.

सबसे पहला है पीड़ा नंबर टू इज कॉम्पिटिशन दूसरी चीज है प्रतिस्पर्धा नंबर थ्री इज कंपल्शन और तीसरा है दबाव ना गिवेन यू द बाइबल रेफरेंस इज ऑल्सो इन द पावर पॉइंट और मैंने इस पावर पॉइंट में आपको बाइबल के पद भी दिए हैं वी लुक फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन द कॉस्ट ऑफ लोनलीनेस

No धेर देखा जो संसार सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था इसलिए मैं मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों से जो अब तक जीवित है अधिक सराहा बरन उन दोनों को अधिक अच्छा वह है जो अब तक उन्हों हुआ ही नहीं है ये तो बुरा काम देखते हैं जो संसार में होते हैं आप में से ऐसा कितने लोगों ने ऐसा कहा कभी कि मैं अच्छा होता कि मैं पैदा ही नहीं होता या दैट इज द दैट इज द द कॉस्ट ऑफ लोनलीनेस ये एक अकेलेपन का कारण है यू बिकम ऑप्रेस्ड इन योर लाइफ आप इतने ज्यादा अपने अंदर उत्पीड़ित हो जाते By हैं बाय एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू जो चीज भी आप अपने चारों ओर देखते हैं दैट यू जस्ट विश लाइफ वुड हैव बीन बेटर दैट यू डिड नॉट इवन

ज लाइक दैथ आप में से कितने लोग महसूस करते हैं जीवन ऐसा ही है the power always seems to be on the side of the oppressor that they can do anything they want whether you look at history whether you look at domestically or whether you look at corporate in the corporate segment or you look in the political scenario you look in the educational uh, educational field

जो लोग हैं उनके ऊपर और भी शक्ति दिखाने के द्वारा उनके ऊपर सताया गया है प्लेन ट्रूथ इज दावर ऑफ करप्ट साधारण रूप से अगर बोला जाए जो एक शक्ति है जो दिखाई जाती है वो हमेशा एक तोड़ती ही है एंड देशर हु पावर कैन करप्ट अदर्स इन देयर फेवर और जो व्यक्ति जो शक्ति में होता है वो अपनी शक्ति को दिखाने के लिए दूसरों को भ्रष्ट कर सकता है एंड यू चिल्ड्रन देर चिल्ड्रन पी डी पीढ़ी

they enjoy living that kind of a life where they can live in their own private world. they don't see the suffering of the poor or the weak. how many of you seen some of the most richest people on earth? they always build their house either facing a water body, a lake. they build a house in such a way they can overlook the water body. And they cannot see any other human beings in front of their house. Or they build such a high tower buildings. They go so high, so from their bedroom when they look out, or from their living room they look out, all they see is the lights of the skyline of the city. They don't see people, they don't see anything of the ground realities of what is happening on those streets below. So the

हम वहां पाते हैं कि एक राजा के द्वारा उत्पीड़न दिया गया राइट एंड right. जब हम व्यवस्था विवरण में आते हैं चैप्टर उसके अध्याय में उसका पद स्पीक्स ऑफ ऑफ ऑपरेशन अ सर्वेंट बाय हिज मास्टर वहां हम पाते हैं एक स्वामी के द्वारा उसके दास के ऊपर उत्पीड़न दिया जा रहा है प्रोव ट्वेंटी टू वर्सटीन जब हम दोबारा नीति वचन के बाईसवे अध्याय के सोलवे पद में आते हैं ऑपरेशन ऑफ द पुअर बाय द दुए और जो लोग उच्च हैं उन लोगों के द्वारा गरीबों के ऊपर उत्पीड़न किया जाता है ऑपरेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक पीपल हम पाते हैं कि अधिकारियों के द्वारा गरीबों के ऊपर सताव होता है 28, 3, हम के तीसरे पद में आते हैं ऑपरेशन ऑफ द पुअर बाय अदर पुअर पीपल एक गरीब के द्वारा दूसरे गरीब के ऊपर सताव किया जाता है Zachariah. हम पाते हैं में, जकरिया में और आ, हम पाते हैं यर्मिया में

देखो बुक ऑफ इट स्पीक्स अबाउट ऑपरेशन बाय यूजिंग फॉल्स वेट्स एंड फॉल्स मेजरमेंट्स जब हम होशिया की किताब में आते हैं तो हम पाते हैं 12वें अध्याय में कि वहां पर अलग अलग तरीकों से नापों से

Who are living under the oppression of their wives. कई लोग कई ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी के सताव से होकर गुजर रहे हैं But I know also women who are living under the oppression of their husband. Rah I know parents who are living under the oppression of their children. Aise hai jo apne ke ke niche rah hai. And so, what happened? We withdraw. Hum hatne we hai. become individualistic. Hum ho jate we prefer to be alone. Hum akela Don't hain. bother me. Bhi mujhe mat Don't roo. talk to me. Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दो. When we have those conversations hearing in our home. जब हम ऐसे वार्तालापों को अपने घरों में सुनते हैं. Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दो. It is a sign of withdrawal. ये बताया जा रहा है कि मुझे मैं पीछे हट रहा हूँ. It is a sign that there is oppression happening.

we have each issue in our church she's a chess master she plays chess at the highest level now if you want to play chess it is one of the highly competitive sport. और ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा है जिसमें बहुत ही ज्यादा दो लोगों के बीच में मुकाबला होता है यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज आपको बहुत एक रणनीति बनानी है मूव दैट यू गुड मेक थ्री और फोर मूव्स आप अपनी तीसरी चालो को चले उससे पहले आपको योजना बनानी पड़ेगी खेल होता है गेम ऑफ चेस रिक्वायर्स पीपल टू थिंक स्ट्रैटेजी कई बार ये वाला जो शतरंज का खेल है लोगो को रणनीति बनाने के लिए मजबूर करता है यू लुक इट दो चेस अब आप उन लोगों को देखें जो

जो बात करता रहता है बात करता रहता है वी डिस्पोज ऑल आवर स्ट्रेटजीज बिफोर वी इवन डू एनीथिंग अबाउट इट हम इससे पहले कि कुछ करें हम पहले ही अपनी रणनीति खोल देते हैं सो हु विंस तो कौन जीतता है द क्वाइटेस्ट पर्सन विंस जो सबसे शांत रहता है वो जीतता है सो द बाइबल से बाइबल कहती है कभी कभी अच्छा होता है कि तुम चुप रहो। और कई बार ज़्यादा कुछ बोल दो। इसलिए आज एक एक बड़ी ही चीज़ है। एवरीवेयर इट इज कॉम्पिटिशन सब जगह प्रतिस्पर्धा चलती है दिस कॉम्पिटिशन इन आवर होम हमारे घरों में है दिस कॉम्पिटिशन बिटवीन वाइफ एंड हसबेंड पति पत्नी के बीच में होती है कितना पढ़ा लिखा है हु इज मोर ओल्डर हु इज यंगर कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा who है हु इज स्किनी हु इज फैट कौन मोटा है कौन पतला है हु मेक्स मोर मनी हु मेक्स लेस मनी कौन कितना पैसा बनाता है कितना कम बनाता who है हु इज मोर बिजी एंड हु डजंट डू एनीथिंग कौन कितना व्यस्त रहता है कौन व्यस्त नहीं रहता है राइट right? ठीक है क्या? सब जगह कई बार हमारे घरों के अंदर बहुत ही है। वी आर स्पेंडिंग आवर एनर्जी ट्राइंग टू ओवरकम other पर्सन constantly. और हम जो है अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते रहते हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर हावी होने के लिए इन द डिक्शनरी compete means टू स्ट्राइव टू गेन और विन समथिंग by defeating. शब्दकोश में देखें तो प्रतिस्पर्धा का मतलब यह होता है कि हम किसी तरह से भी प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ पा या हम जीत लें उस चीज के ऊपर जो चीज उच्च है ना कॉम्पिटिशन इज नॉट अ बैड थिंग प्रतिस्पर्धा कोई बुरी चीज नहीं है राइट ऑफ कॉम्पिटिशन इज गुड मुकाबला करना अच्छा वाला मुकाबला करना अच्छा होता है। लेकिन अगर वो हमारे खुद के घमंड के ऊपर आधारित है। और अगर वहां पर हम अपने जीवन का अर्थ या हम अपने जीवन की कीमत को वहाँ पहचानते फिर हम दूसरे व्यक्ति को नाश कर देंगे आर्ग्यूमेंट और और वहां पर ऐसी एक एक बात आ जाती है कि मुझको तो किसी तरह से भी जीतना है बस सम ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेटिव पीपल दर आई नो आर ऑल्सो सम ऑफ द मोस्ट लोनली पीपल दर आई नो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सबसे ज्यादा मुकाबला करना चाहते हैं वो सबसे ज्यादा अकेले भी होते हैं दे हैव द फ्यूएस्ट फ्रेंड्स अराउंड उनके पास बहुत कम मित्र होते हैं उनके चारों ओर You see,

me and said, Pastor James, you are looking great. और अगर कोई मेरे पास आकर ये ना कहे कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ Any good? क्या कोई अच्छा है फिर No good. नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें Right? We want people to appreciate what we have. हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें जो चीज हमारे पास है We we don't really need good cars. हमको कोई अच्छी गाड़ी की जरूरत नहीं But do we buy the most expensive car? लेकिन फिर हम और भी महंगी गाड़ी क्यों खरीदते हैं? ताकि हमारा पड़ोसी आकर हमसे हमारी गाड़ी के बारे में पूछे और टॉक अबाउट यू नो हाउ ग्रेट यू हैव और ये बात करे कि तुम्हारी गाड़ी कितनी ही अच्छी है और दोस ऑफ यू आर बाइक और जो आप लोग मोटरसाइकिल पसंद करते हैं yeah. <laughs>

कोई भी रिश्ता में जीत लिया तो आप हार गया इसका मतलब अब क्या हो गया अब हार गया इफ यू विन यू हैव लॉस्ट इफ यू लुक एट दोस पीपल हु आर दे लाइक टू गेट मैरिड वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए बट इट इज नाउ ट्वेंटी एट लेकिन अब ये अट्ठाइस साल की उम्र हो गई नॉट मैरिड अभी भी शादी नहीं करी नाउ इट इज थर्टी एट अब अब अड़तीस साल हो गए स्टिल वॉन्ट बी मैरिड बट नॉट मैरिड अभी भी शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं की have you seen that people like that they go on in their years after years of their life they want to have a relationship but they don't want to get they don't they won't end up getting married you will find that most of those people have a issue of self-obsession कई ऐसे लोग होते हैं आपने देखा होगा कि वो लोग अपने में स्वयं केंद्रित होते हैं आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ मुझे मेरा जीवन का आनंद उठाना आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड मुझे पूरी दुनिया की यात्रा करनी आई वॉन्ट टू एंजॉय नाइस हाउस मुझे एक बहुत अच्छे घर का आनंद उठाना आई वॉन्ट रोम एंड ईट फूड आई वॉन्ट टू वेयर क्लोज आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टेलिंग मी स्टॉपिंग मी

अगर हम सात से आठवें पद तक देखेंट ऑफ कंपल्शन ये ऐसा है कि हमारे ऊपर दबाव है गेम मोनोपोली आपने कितने लोगों ने ये एक आ, एकांक का ये जो एक खेल है वो खेला है या yeah, मोनोपोली इसका नाम है एकाधिकार। घर right? में हम लोग खेलते हैं It's, it's a good family game to play Monopoly. Monopoly. Uh, we, when our kids were smaller we used to play Monopoly. खेल so थे. what do you do in Monopoly? Uh, wherever you land you start buying properties. And you हैं. accumulate properties. And when other people हैं. when their die is false and they land on your property they have to pay you rent.

मैंने देखा है की डेविड सच में बैठ कर रोता था वेन ही जब वो अपने हार रहा है सो द फनी थिंग अबाउट दिस गेम तो इसलिए इस मजाकिया जो इस खेल का जो हिस्सा है इफ यू आर ऑन विनिंग स्ट्रीक अगर आप उस जीतने वाले उस पक्ष में यू डोंट द गेम टू स्टॉप आप नहीं चाहते की ये खेल रुक जाए दिस पर्सन लूजिंग दे आर होपिंग Somebody calls me, some visitors come to the house, somehow the game stops. But the person who is winning, they want to keep winning, they want to keep buying more properties, buy more property. There is no contentment built into the game of monopoly. This is what Solomon saw firsthand in his life. उसने ये देखा कि जो एक धनवान व्यक्ति होता है, है। है, वो वो बस अपने ही बारे में चिंता करता कहता ये कि जो लालच है वो बुरा है यू नो अमेरिकन सिविलाइजेशन एंड अमेरिकन इकोनॉमी ट्राइव इन दर्ल्ड एंड बिकेम दिन अमेरिका की जो सिविलाइजेशन है वो ऐसी हो गई वो उच्च पहुंच गई और बहुत ऊंची चली गई अमेरिकन इकॉनमी वाज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड और वहां का जो पैसे का जो अर्थशास्त्र है वो इतना ज्यादा ऊंचा चला गया But in the 1970s, 1980s, if you look at American business and American economy, greed entered into the mind of the people. And from that moment onwards, from the moment greed became the driving force. of US business and US industry and economy और जब uh, अमेरिका का जो uh, आर्थिक स्थिति थी, थी और व्यापार था जब इसमें लालच घुस गया तो so much so in the 1980s there was a movie that promoted and the theme of the movie was greed is good और 1970 के समय में हम पाते हैं 80 के समय में हम पाते हैं कि एक फिल्म भी ऐसी बनी जिसमें ये कहा गया शीर्षक कि लालच अच्छा है

up to the year of nineteen sixties. Electronic items and manufacturers produced things for lifetime. वो जीवन भर के लिए बनाई जाती है इफ यू बॉट ए रेफ्रिजरेटर इन दाइनटीन फोर्टी और अगर आपने उन्नीस सौ चालीस या पचास या साठ के समय में अगर आपने फ्रिज खरीदा है तो फिर जो है वो फ्रिज ने अस्सी नब्बे साल तक काम किया टेलीविजन वर्क फॉर ट्वेंटी और जो टीवी था उसने पच्चीस तीस पैंतीस साल तक काम किया a car that was manufactured in the 40s and

और फिर हम महसूस करते हैं यू रीच दी फाइव की आप जब सत्तर से ऊपर की उम्र में एज में फिफ्टी सिक्स no, हूं छप्पन हूं तो मैं अभी से अपने बारे में सोचने लगा वॉट इज यार? ये नया चीज लेने से क्या है वट आई है चलेगा इट विल स्टिल वर्क चलेगा काम करेगा राइट right? We realize that we have been burning our energy for these new things and wasting our life. I know people who refuse to have children. They get married, but they don't want to have children. Because they get so obsessed with enjoying their own money, their own material things. Kids are born, then they're going to destroy the wall

Now these are आर issues, थ्री मेन इश्यूज तो ये तीन ऐसे कारण है ऑपरेशन सबसे पहला है उत्पीड़न Competition. प्रतिस्पर्धा एंड compulsion. दबाव that lead us into a लाइफ ऑफ loneliness. जो हमारे जीवनों को अकेलेपन की ओर लेकर जाती है नाउ मेनी पीपल आर happy टू हैव डॉग्स and cats. कई लोग अपने घरों में कुत्ते बिल्ली रखने के लिए खुश हैं खर्चा करने के लिए तो बहुत खुश हैं। Because we can determine what we want to give to them. क्योंकि हम ये निर्णय लेते हैं कि हम उनको क्या देंगे

if this is the life of a lonely cooper, what is the solution? and solomon gives us the solution. if you look at ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12, solomon says two are better than one because they have a good return for their labor. if either of them falls down, one can help the other up. but pity anyone who falls.

फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वो गर्म रहेंगे क्यों परंतु क्योंकि कोई अकेला कैसे गर्म रह सकता है यदि कोई अकेले अकेले पर प्रबल हो तो हो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे दो डोरी तीन तागे में बांधी हो तो ज्यादा टूटेगी नहीं अब अंग्रेज बन गया <laughs> <laughs> <laughs>

हम अपना जीवन पूरी रीति से आनंद नहीं उठा सकते हैं। हैं। सुलेमान इस एहसास में आ जाता है पीपल पीपल कि लोग अपने जीवन में ज्यादा अच्छा कार्य तब कर सकते हैं जब वो दूसरों लोगों के साथ मिल कर काम करते हैं एडम न्यू गॉड आदम परमेश्वर को जानता था एंड गॉड वॉन्टेड टू फेलोशिप विद एडम और परमेश्वर आदम के साथ संगति रखना चाहता था एंड गॉड न्यूट इट वॉज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन और परमेश्वर जानता था कि एक मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है नाउ लुक इथ दिस और देखिए यहाँ पर Genesis, जब में हर चीज की सृष्टि की बोला अच्छा है

कोई दूसरा आदम नहीं था वहाँ एडम नीड एन नीड अनदर एडम एक आ, उस आदम को दूसरे आदम की जरूरत नहीं एडम नीड एन ईव आदम को हवा की जरूरत थी हेलो बट इन टूडे सोसाइटी लेकिन आज के समाज में Adams are wanting Adams. आदम जो है आदम को चाहते हैं. And Eve wants another Eve. और जो हवा है वो दूसरी हवा को चाहे. But God created Eve for Adam. And when Eve was created, what did God say? Wow, man. That's how woman came. Wow, man. Woman. Men became good in the company of Eve. आदमी uh, जो है अच्छा बन गया हवा के साथ इसलिए इसलिए बाइबल कहती है। है ये अच्छा नहीं एक पुरुष के लिए अकेला रहना। so, in Ecclesiastes, में। chapter 4, verse 9 to 12, uh, हम चौथे अध्याय के नौवे और ग्यारह पद तक देखते हैं रीजन फॉर द लोनलीनेस यहाँ पर वो कारण बताता है अकेलेपन क्यों होता है एंड देन एक्सप्लेन द

companionship. सबसे पहले हम देखते हैं कि पर एक मित्रता के लिए ढूंढ है पर पर हम देख रहे हैं कि कि एक कथन सुलेमान कहता कहता है। है वो दो से एक दो अच्छे हैं अपने पड़ोस की ओर देखकर बोले एक से दो अच्छे हैं। ने मनुष्य की रचना करी उसकी मित्रता बनाने के लिए गॉड हेट बींग लोन परमेश्वर ने घृणा करी अकेलेपन से So he created man इसले, for his companionship. इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी ताकि मित्रता हो जाए. Amen. So we have a premise here. तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए एक आधार है. A biblical thesis. एक एक बाइबल आधारित एक हमारे पास शोध है. That it is good for a man to be married to a woman. कि एक मनुष्य एक पुरुष जो है एक स्त्री से शादी करे

रहे हैं कि आपसी जो है एक प्रतिफल है Now Solomon is using the business language of profit here. यहाँ पर सुलेमान जो है व्यापार के में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द लाभ है उसका इस्तेमाल करता है. Partnership in business always produces double return. व्यापार में जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उसका जो प्रतिफल होता है वो दुगना होता है. Now

क्यों दूसरों के साथ मेल करके काम करते हैं इमेजिन इफ हिज बिजनेस ऑन देअर ओन अगर सोचिए कि अगर उनके साथ कार्य करने वाले लोग अपने खुद के व्यापार कर रहे हैं वो अपने खुद के जो किराया है ऑफिस है उनका उन, वो जो मशीनें जो होती है उसके लिए उन्हें खरीदने के लिए बट हियर इन पार्टनरशिप वी हैव वन मशीन बट दिजनेस इज प्रोड्यूसिंग डबल द प्रॉफिट लेकिन जब हम दूसरों के साथ मेल करके काम करते हैं तो फिर एक ही ऑफिस होता है हम एक ही जगह मशीन खरीदते हैं। इन द द सेम टू रिलेशनशिप। और शादीशुदा जीवन में भी सस्ता हो जाता है जब दो लोग मिलकर रहते हैं फिर उसके साथ ही साथ हमारे पास आपसी एक दूसरे के प्रति नॉट ओनली नॉट ओनली म्यूचुअल रिवॉर्ड सिर्फ एक आपसी प्रतिफल नहीं है लेकिन फिर आपसी एक विश्वास है। दिस इज़ मोर लेस फ्रॉम फिजिकल फॉल। यहाँ पर हम देखते हैं कि शारीरिक uh, रूप से गिर जाने का ये अर्थ बताता है और इट बी अ स्पिरिचुअल फॉल। या आत्मिक तौर पे पतन होना आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज सिक मुझे अभी भी याद है जब मैं बीमार था माय वाइफ पीरियोडिकली टर्न ऑन द लाइफ एंड चेक माई फॉल्स एंड और मेरी पत्नी जो है वो लगातार देखती थी मुझे अभी भी याद है की मैं जब शौचालय जाता था बिकॉज ऑफ माई वर्कमेंट आई वॉज सो एक्ट मैं जब जो मेरे काम थे जिसमें थक जाता था दिस वॉज हनी मून वीक

और जापान अगर आप चले जाएं तो वहां पर पत्नी को, को wife, और पति को खरीद सकते हैं और पर बैटरी से चलाई जाने वाले पति या no, सुलेमान मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आधुनिक जापान के उस दृष्टिकोण से अगर वो ये लिखा होता बट इन इंस्टॉलमेंट डेज लेकिन सुलेमान के समय में जो है इलेक्ट्रिक मशीन से

का जो ब भाग है इसे इज अ कॉर्ड ऑफ थ्री स्ट्रैंड इज नॉट क्विकली ब्रोकन जो डोरी तीन तागे से बाटी हो वो जल्दी नहीं टूटती इफ टू फ्रेंड्स आर गुड अगर दो मित्र अच्छे हैं देन थ्री आर इवन बेटर तो तीन उससे भी ज्यादा अच्छे हैं एंड सो इन फैमिली रिलेशनशिप कॉन्टेस्ट इसलिए परिवार के संदर्भ में अगर बिटवीन वाइफ एंड पति पत्नी के बीच में वट कंपोनेंट ऑफ दैट फ्रेंडशिप तीसरी चीज ऐसी क्या हो सकती है जो उनकी मित्रता के लिए मदद करे गॉड परमेश्वर ए मैन वाइफ पति हस्बैंड पति एंड गॉड और परमेश्वर बिकम द थ्री खोड कोड

Uh, Paced culture that we live today. Everything is driving us to an individualistic, self focused, self obsessed. हर चीजें जो है हमको स्वयं केंद्रित कर रही है और हमको एकाग्र बना रही है लेकिन परमेश्वर हमें बुला रहा है टू अ रिलेशनशिप एक संबंध में इन मैरिज शादी में रिलेशनशिप इन फ्रेंडशिप एक मित्रता में एक मेल में Relationships इन द चर्च फैमिली ऐसे संबंध में जब हम में एक दूसरे के साथ मेल हैं। Where वी कैन ग्रो जहाँ पर हम बढ़ सकते हैं और मैं इन दस आज्ञाओं के ऊपर मेरा ध्यान आया दिस ऐसी दस चीजें हैं जो आपको करनी है अगर आप संबंधों को बनाना चाहते हैं नंबर वन सबसे पहला स्पीक टू पीपल लोगों से बात करें स्पीक टू पीपल लोगों से बात करें आई लव टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है अनजाने लोगों से बातें करना। आई कैन टॉक टू एनी बड़ी एन एनी बड़ी एवरीबॉडी मैं किसी से भी सबसे कैसे भी बात कर सकता हूँ मॉल आई फाउंड फाउंडी एंड आई एम टॉकिंग अवे एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड कई बार मैं अपनी पत्नी की के द्वारा दूसरों के द्वारा मुझे बोला जाता है क्योंकि मैं कहीं भी रुककर किसी से भी किसी भी विषय के बारे में बात फॉर मॉर्निंग वॉक जब आप लोगों को देखते हैं कि जहां आप रहते हैं वहां लोग सुभे, uh, सुभे के लिए पे जाते हैं आप किसी के साथ चलने क्यों नहीं लगते हैं हेलो यू नो वॉकिंग इन सेक्टर फोर्टी नाइन पार्किंग 15 years ago. पंद्रह साल पहले सेक्टर फोर्टी नाइन में मैं बात कर रहा था प्रार प्रार I saw this young man walking। और मैंने एक जवान व्यक्ति को देखा चलते I I decided to to walk with him। him। मैंने निर्णय लिया कि मैं मैं उस व्यक्ति के साथ चलूंगा। And I started talking to him. और मैं उससे बात करने लगा And I found out that he is learning to become a computer engineer. और मैंने लगाया से वो अपनी, अपनी जो, मित्र, जो लड़की मित्र है उसके बारे में वो मुझसे कहने लगा मैं बहुत उदास

परमेश्वर ने क्या किया है हाउ से आई वॉन्ट स्पीक टू पीपल आप में से कितने लोग कह सकते हैं मैं लोगों से बात करू नंबर टू दूसरी बात स्माइल टू पीपल लोगों को देखकर मुस्कुराएं। हेलो स्माइल टू स्ट्रेंजर्स अनजाने लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराए विद मी स्माइल इज माई स्टाइल मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ बोले जीवन शैली है मुस्कुराना. स्माइल इज माई स्टाइल

मैं इस चीज में बहुत बुरा हूं कॉल पीपल बाय देयर नेम लोगों को उनके नाम से बुलाएं ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ पीपल लोगों के नाम को याद रखने की कोशिश करें आई माय टू टू अ अ लॉट लॉट ऑफ ऑफ पीपल 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 यू फॉर इट इज म्यूजिक देयर ईयर टू हियर यू कॉल देयर नेम लोगों के कानों में संगीत है अगर आप उनका नाम लेकर बुलाते हैं हमर राइट ओके नंबर नंबर 4 चौथी बात

be cordial speak and act as if everything you do is genuinely a pleasure and if it isn't learn to make it a pleasure right number six be genuinely interested in people logo ke, uh, mein, much mein ruchi some people are so plastic, plastic they are like हाउ आर यू हाउ यू डूइंग ऑल गुड हाउ हाउ आर यू हाउ आर यू यू रियली डोंट केयर बट वेन यू केयर फॉर समबाडी वट यू डू लेकिन जब आप किसी की चिंता करते हैं तो आप कैसे करते हैं हाउ आई यू नेतन You look in the eyes. Eye to eye contact. आँख आँख How many हैं? of you know that? When you look into somebody's eye, there is a transfer of something from you that goes into that person's life. से आँख से आँख hmm, Valentine's Day, <laughs> those days.

हमने अपने जीवन में किसी किसी को बिल्कुल अलग कर दिया वो बंदा सही नहीं है उससे मुझे बात नहीं करना हैव यू डन दैट बट डू यू थिंक गॉड विल डू दैट आप आपको लगता है कि परमेश्वर डू यू थिंक गॉड हैज अ ब्लैक लिस्टेड पीपल परमेश्वर के पास ऐसे लोग हैं जो जिसको उसने बिल्कुल नकार do you think दिया डू यू थिंक गॉड लव्स एवरीबॉडी इन दिस रूम क्या आप सोचते हैं परमेश्वर आप सबों को यहां जो है प्यार करता है

ये ये सलमान खान का विचार नहीं ये परमेश्वर being, का वचन है। human, टी शर्ट आपने देखा होगा बी ह्यूमन गॉड लव परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए करी है कि हम प्रेम रखें नंबर 7 सातवीं बात बी जनरस विद प्रेज आप बहुत ही ज्यादा उदार रहे दूसरों की तारीफ करने में। एंड बी कोशिश विद क्रिटिसिज्म बहुत ध्यान रखें कि हम किसी की आलोचना ना करें हेलो वेरी गुड एट क्रिटिसिज्म कई लोग बहुत अच्छे हैं दूसरों की आलोचना Now, के criticisms are good, आलोचना करना अच्छा है we need criticisms हमको जरूरी है कि हम आलोचना करें But always whenever you want to criticize somebody लेकिन अगर आप किसी की आलोचना कभी करते हैं तो say two good things first. पहले दो अच्छी बातें बोले बिफोर यू ओपन योर वर्ड से वर्ड ऑफ क्रिटिसिज्म खोल के कोई भी आलोचना की बात उस व्यक्ति करें। so दो अच्छी बातें बोलने के लिए यू मे नॉट लाइक हाउन की बोर्ड शायद अच्छा ना लगे कि आमिन कैसे यहाँ कीबोर्ड बजा बचा रहा है बट यू मे गिव हिम एन एडवाइस लेकिन आप उसको कोई सलाह देना चाहते हैं है। उसको कुछ सलाह दूं अमिन Amen. I really like your chain today. मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी चेन. Wow. कितनी अच्छी है. I gave it to you this one. <laughs> wow, there you go. I like that. मुझे अच्छी लगी. By the way. Uh, लेकिन. You're working out, right? You're doing exercise. You're looking good. आप आजकल कसरत कर रहे हो. आप अच्छे लग रहे हो. Now, Amin is feeling good, right? अब Amin को बड़ा अच्छा से महसूस हो रहा है. Now I can tell him. <laughs> अब मैं उसको बोल सकता हूँ. I Amin, mean, but you know, I, I like the way you play the keys. मुझे आमीन अच्छा लगता है जिस तरह से तुम की you know, लेकिन कभी कभी क्या तुम उसको थो थोड़ा हल्का रख सकते हो या yeah? uh -huh. क्या कर सकते हो डोंट फोर्स मी टू क्विट द प्रीचिंग आप मुझको मजबूर मत करो कि मैं उसको प्रचार खत्म कर दूं म्यूजिक करते मुझे बोल रहे आप बंद करो बंद करो सो दे मैसेज Without hurting people's sentiments. Amen. Number eight. Be considerate with the feelings of others. There are usually three sides to a controversy your side, the other person, and then there is a right one, a third person. तीसरा व्यक्ति जो ठीक व्यक्ति है okay, so right. हमेशा uh, सही नहीं है बोलने के लिए कि मैं ठीक हूं नंबर नाइन नौवीं बात बी अलर्ट serve। ध्यान रखें uh, uh, सचेत रहें दूसरों की सेवा करने के लिए। बी अलर्ट serve। सचेत रहें दूसरों की सेवा And number करने ten, के लिए। दसवीं बात Add a गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और मजाकिया रहें। Amen। Add अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इन योर कम्युनिकेशन अपनी बातचीत में थोड़ा मजाकिया रहे Amen? How many of you want to be living lonely? Or how many of you want to be friendly? Amen.